Assalamualaikum everyone, आज हम बनाएंगे ब्लैक पेपर मटन रोस्ट। हम एक देखी ले लेंगे, उसमें एक किलो मटन ऐड कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। गोश्त हमारा ऐड हो चुका है, अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। एक गिलास पानी का ऐड कर देंगे। फुल आ गए हमारी। अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर देंगे। इसको एक घंटे के लिए कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देंगे। एक घंटे के बाद चेक करेंगे। गोश्त हमारा अभी तक सही तरह गला नहीं आता, इसको 10-15 मिनट के लिए और पकाएंगे। 10-15 मिनट के बाद देखेंगे। आग को फुल कर देंगे ताकि जो इसमें पानी है वो पक जाए। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। अब हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। इसमें जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ही टेस्टी बनता है, जितना भी बने उतना कम पड़ जाता है। फुल आग पर हमारा गोश्त पक रहा है। पानी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, इसके अपने ही तेल में फ्राई हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। इतना को इसको फ्राई करने के बहुत लाल हो गए। गोश्त हमारा फ्राई हो रहा है, गोश्त के अपने ही तेल में फ्राई हो रहा है। दावत पर बुनाएं, बहुत मज़ेदार बनता है ये। अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई कर लेंगे। गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है हमारा मज़ेदार ब्लैक पेपर मटन रोस्ट। खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं, मज़े करें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।